गुड डे बेटा। आज हम सब लोग जो डेली फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर गुणा और गुणनफल क्रियाएं देखते हैं इसके बारे में। ये सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में गुणा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो चलिए गुणा होता क्या है, हम लोग शुरुआत क्या करते हैं। तो गुणा के बारे में हम लोगों ने देखा, ये गुणा है क्या, कहां से हम लोग गुणा की शुरुआत हुई। तो गुणा के लिए सबसे पहले छोटी सी चीज हम आपको बताएंगे। जब किसी भी व्यक्ति के पास दो पोल केले हों और उनको और भी किसी भी व्यक्ति, जैसे किसी भी व्यक्ति के पास दो केले हैं, उसने अपने बच्चे को दिया उन दो केलों के बाद, तो उस बच्चे के पास कितने केले हो गए, दो। फिर उसने क्या किया, अपने बच्चे को फिर दो और केले दे दिए, तो उसके पास कितने हो गए, चार। पहले उसके पास कितने थे, दो। फिर उसने अपने बच्चे को फिर दो केले दिए, तो ये कितने हो गए, सिक्स। फिर उसने दिए, तो अब अगर जो ऐसे ही गुणा की संक्रिया क्या होती है उसे हम बताते हैं। यदि कोई भी संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो वो गुणन संक्रिया बनती है। जैसे दो, एक बार दो केले दिए गए, दो केले दो बार दे दिए गए, दो केले तीन बार दिए गए, दो केले चार बार दिए गए। ऐसे ही तुम्हारे जो हैं, दो केले जब हम 10 बार देंगे तो उसके पास कितने केले हो जाएंगे, 20। ये जो हमारा होता है ये गुणन संक्रिया होती है और ये अनंत काल तक चलती है। किसी भी संख्या के जो अपवर्तक होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, अनंत तक होते हैं। इसीलिए हम ये अपने माइंड में ना बिठाएं कि पहाड़ा जो होता है कोई 10 तक ही होता है, दो दाम 20, बस चैप्टर का वाइंड अप। नहीं, जब हम कभी भी किसी भी संख्या का कोई भी प्रोसेस देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि ये संख्या में जब कभी भी किसी, हमने क्या बताया गुणा क्या होता है, जब कभी भी किसी भी संख्या में उस संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो वह गुणा संक्रिया बनती है। एग्जाम्पल भी मैंने बताया कि एक बार केला दिया तो दो था, दो केले फिर दो बार दिए, तीसरी बार दिया, चौथी बार दिया, तो उस तरीके से उसके पास कितने केले होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये आसानी से एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि यह गुणन संक्रिया है कि किसी भी संख्या में उस संख्या को बार बार देने पर, जोड़ने पर, वह संख्या जो होती है गुणा संक्रिया के रूप में होती है कि कितनी बार हमने वो संख्या जोड़ी। इसीलिए लिखा आता है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो ये हो गया गुणा। अब गुणा करने के तरीके को देखिए। जैसे हम कभी भी कोई भी संख्या है तो उसमें गुणा करने की जो संक्रियाएं होती हैं, तो संक्रियाएं क्या होती हैं, सबसे पहले संक्रियाओं के रूप में हम जब बढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो किस तरीके से, अब आइए संक्रियाओं के रूप में। पहली संक्रिया, किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर संख्या जो होगी वो वही आती है। पहली संक्रिया क्या है, किसी भी संख्या में हम एक से गुणा करेंगे तो उसका मान वही होता है। किसी भी संख्या में, तो हम जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक प्रोसेस है, कोई भी एक संख्या ले ली हमने, जैसे ले लिया चार, चार में गुणा किया एक से तो हमारी संख्या 4 ही होगी या 40 होगी तो भी वही होगा। दूसरा है प्रोसेस कि अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करें तो उसकी वैल्यू 0 आती है, ये दूसरी संक्रिया है। तीसरी संक्रिया की बात हम करते हैं कि यदि किसी भी संख्या में एक से गुणा करेंगे तो 4, 0 से गुणा करें तो 0, 0। इसी प्रकार यदि किसी भी संख्या को हम गुणा करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे आपसे बताया गया किसी भी संख्या को हम लोग गुणा करिए, तो चलिए हमने गुणा किया, जैसे लिख दिया 42 को हमने गुणा किया 5 से, तो चलिए क्या होगा, तो इस प्रोसेस को लिखने के लिए हमने गुणा किया तो 5 × 2 = 10, 1, 5 × 20, 20 × 1 = 21। फिर से देखिए 5 × 2 = 10, 1, 5 × 20 = 21। तो जो अब इसमें कौन कौन सा हो, ये तो हो गया गुण, ये होता है गुणक, ये होता है गुणनफल। यहां पर जब हमारे पास
तीन चीजें दी गई हैं, ये गुण होता है, ये गुणक होता है और ये गुणनफल होता है। तो किसी भी संख्या की ये तीसरी संक्रिया होती है, जब किसी भी संख्या को हम लोग गुणा करते हैं तो पहला जो डिजिट जिसमें गुणा करते हैं उसे हम गुण कहते हैं, जिससे गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं, जो प्राप्त होता है दोनों को गुणा करने के बाद वह गुणनफल कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग गुणनफल की बात करते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी ये तीसरी संक्रिया कि गुण गुणक और गुणनफल। तो हम लोग इसको एक रूल्स बना देते हैं कि गुण इंटू गुणक इज इक्वल टू गुणनफल। ऐसे ही अगली संक्रिया क्या है जो हम अगली संक्रिया पे बात करते हैं कि कोई भी संख्या, यदि कोई संख्या को हम लोगों ने आपको बताया कि उस संख्या के साथ अगर संख्या को गुणा करना है तो वो गुणा दो तरीके से, यानी दो बार गुणा या तीन बार गुणा होता है, तो उसकी नीचे की जो संख्या होती है, नीचे जब उसे हम गुणा करते हैं तो उस स्थान को छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं, जो जैसे कोई भी दो डिजिट के लिए गुणा करें, दो डिजिट के गुणा करने का तात्पर्य यहां पर है, जैसे हमने किया पांच और चार, इसमें दो 21 से गुणा कर दिया, तो ध्यान से देखिएगा जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक चक्कू चार, एक पंचे पांच। जब हम दूसरे डिजिट को करेंगे तो एक स्थान को छोड़ देते हैं, तो दो चक्कू आठ और दो पंचे दस। इस तरीके से इसको सम कर देंगे, चार आठ पांच तेरह और फिर उसके बाद में एक, ये जो हुआ वो आसानी से हमारा, ये जब हम एक इकाई का अंक छोड़ देते हैं, इकाई का अंक हमारा गुणा हो जाता है तो उस स्थान को हम छोड़ देते हैं। जब हमारा दूसरा अगला भी कोई तीन डिजिट होते तो हम और भी आगे के इकाई दहाई दो हो चुके थे तो दो अंक हम छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो गुणनफल होता है वो हमारा प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से गुणा की जो संक्रियाएं हैं, गुणा की जो हमारी पांचवी संक्रिया है वो क्रम विनिमेय नियम है कि यदि किसी भी संख्याओं का गुणा करें, जैसे चार गुणे तीन इज इक्वल टू तीन गुणे चार इज इक्वल टू ट्वेल्व, मतलब गुणा करने पर उनके आपस में गुणा करने पर यदि मान बदल दिए जाएं तो उनके स्थान परिवर्तित कर दिए जाए तो उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार हम गुणा की संक्रिया के बारे में आपको बता रहे हैं और इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में आपको गुणा और गुणन की संक्रिया आपको बताई गई, अगले चैप्टर में भाग और भाग की संक्रिया है तो वो हम आपको बताएंगे। इसलिए इस तरीके से हम लोग आप लोगों को ये जानकारी देते हुए कि इस तरीके के इस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो आप लोग करिए। जैसे आपको फिर रिपीट कर रहे हैं, संक्रियाएं क्या होती हैं, संक्रिया क्योंकि इस चैप्टर का समराइजेशन है, तो सबसे पहले चार को किसी भी संख्या एक से गुणा करेंगे तो चार होता है, पांच से गुणा जीरो से गुणा करेंगे किसी भी संख्या को जीरो होगा, गुणा करने वाली संख्या जो होती है जिसमें गुणा किया था उसे गुण कहते हैं, जो गुणन जिसमें गुणा करते हैं जिससे वो गुणन गुणक होता है और जो प्राप्त होता है वो गुणनफल होता है। इस तरीके से किसी भी संख्या के क्रम बदलने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमारी गुणन संक्रियाएं होती हैं और हम लोग आगे भाग संक्रिया और भाग के बारे में पढ़ेंगे।